হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰকৃতিয়ে সংহাৰ চলালে। মূলতঃ পিয়াস নদীৰ বানে ৰাজ্যখনত বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিলে। এতিয়া পানী কমিছে, পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ বানে চলোৱা সংহাৰৰ স্বৰূপ। বানে ভাঙি নিলে বহু পথ দলং। ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 1000টা পথতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা এতিয়া ব্যাহত হৈ পৰিছে। ক'ৰবাত যদি দলং উটুৱাই নিছে, ক'ৰবাত পথ খহি পৰিছে, ক'ৰবাত পাহাৰ খহি পথ যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে। ৰাজ্যখনৰ এই ভয়াৱহ বানে প্ৰায় 4000 কোটি টকাৰ আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস কৰা বুলি হিমাচল চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে এই ভয়ংকৰ বানে মানালীৰ পৰা কুল্লু হৈ প্ৰায় 2200 বাহন উটুৱাই নিলে। বানে সংহাৰ চলোৱা দুটা দিনতে প্ৰাণ হেৰুৱালে 20 জন লোকে। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भ्यूली कॉलोनी में भी सैलाब ने अपने पीछे तबाही के निशान छोड़े हैं और ये व्यास नदी में आया उफान था जो इस फर्श को अपने साथ बहाकर ले गया है। सोचिए कितने प्रचंड वेग के साथ ये उफान आया होगा। और उधर देखिए उस तरफ किस तरीके से ये प्रचंड वेग अपने साथ उफान लेकर आया है। 2-3 घर तो ऐसे बह गए हैं, उनका नामो निशान तक नहीं बचा है, मानो यहाँ पर कुछ रहा ही ना हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा आपको इधर की भी तस्वीरें हम दरअसल दिखाएंगे। ये देखिए, ये पूरी की पूरी दीवार है जो कि गिरी पड़ी दिखाई दे रही है। और इसी दीवार के ऊपर अगर आप ये देखें तो तस्वीरें दिखाते चलें, यहां पर ये विंडो का स्ट्रक्चर है, शीशा कहां गया कुछ आता पता नहीं। और ये देखिए, संभवतः ये जो बाइसाइकिल आप देख रहे हैं छोटे बच्चे की, ये सैलाब अपने साथ, उफनती लहरें अपने साथ बहाकर लाई होंगी। सिल्ट चारों तरफ जमा है और ये तबाही के निशान यही नहीं है, तबाही के निशान ये बगल वाले कमरे में भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप जरा ये तना देख लीजिए, ये भारी भरकम तना जो कि जड़ के साथ उखड़कर उफनते सैलाब के साथ यहां पर आया है। और इधर देखेंगे अगर तो ये कम से कम 100 किलो से ज्यादा का तना होगा। और इसके साथ ये और भी लकड़ियां हैं जो कि सैलाब के साथ बहकर आई हैं। ये तमाम तरह की गंदगी आपको दिखाएंगे यहाँ साथ में आई है। घर बार का सामान, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जो उजड़ गए हैं। बेलन है यहाँ पे, आप ये देखिए वाइपर, और ये शीशी भी आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह के तबाही के निशान हर जगह आपको दिखाई देंगे। अब क्योंकि कई लोगों के घर ढह चुके हैं, कई लोगों के जो आशियाने हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। अब लोगों की कोशिश ये है कि ये जो त्रासदी है, ये जो आफत है, आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूटी है, वो जल्द गुजर जाए जिससे कि वो दोबारा अपने आशियाने को खड़ा कर सके। सरकार पथ जोगाजोग और शक्ति वितरण व्यवस्था कार्यक्षम कर दिने निशाय काम कर राज्य भिन्न प्रांत आबद्ध हो थका लोक उद्धार कर 600 हेलिकप्टार उड़ी कासल और माणिकनगर आबद्ध हो थका प्राय 800 पर्यटक इतिम्य उद्धार कर আন পর্যটকৰ লগতে হিমাচলৰ কাচলত সন্ধানহীন হৈ আছে 15 জন ৰুচ নাগৰিক। ইয়াৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে হিমাচল প্ৰদেশৰ লগতে উত্তৰাখণ্ডৰ 3খন জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰলয়ৰ আশংকাত ঋষিকেশ বদ্ৰীনাথৰ ৰাজপথ সম্প্ৰতি বন্ধ ৰখা হৈছে। ইপিনে দিল্লীত বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে যমুনা নদীৰ জলপৃষ্ঠ। যমুনা নৈৰ বৰ্ধিত জলপৃষ্ঠই ৰাজধানীলৈ সংকট কঢ়িয়াই আনিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে জৰুৰীকালীন বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, बाढ़ जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। यमुना का जल स्तर 207.55 के निशान के ऊपर पहुंच गया है और यहां पर आप देखिए निचले इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं उनको रेस्क्यू करके ऊपर लाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो धूप में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कभी धूप का मौसम है, कभी बारिश है, तो ऐसे में जो लोग रेस्क्यू करके यहाँ पर लाए गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी यमुना के निचले स्तर में फंसे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि इनके खाने पीने के साथ साथ वाटर प्रूफ टेंट भी लगाए जाएंगे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं शायद जिन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बनता है कि जब जब बारिश होती है तो ऐसी स्थिति दिल्ली में क्यों बनती है। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ 18, अहम नॉर्थ ईस्ट।